क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं इन छोटे छोटे बच्चों की हंसी के पीछे का कारण क्या है? तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। करण और सृष्टि रोज सुबह स्कूल की ऑटो पकड़ने पैदल सोसाइटी के गेट पर जाते और बस्ती में रहने वाले बच्चों को खुले पेड़ के नीचे पढ़ते हुए देखते और ये सोचते कि उनके पास बैठने के लिए बेंचेस और डेस्क नहीं है जैसे उन दोनों के पास उनके स्कूल में है। वो रोज ये देखते और रोज ये सोचते कि इस परेशानी का हल कैसे ढूंढा जाए। आखिरकार एक दिन उनकी नजर सड़क के किनारे लगे टेट्रा पैक के बैनर पर पड़ी। उसे पढ़कर ही उन्हें पता चला कि खाली टेट्रा पैक के कार्टन्स को रिसाइकल करके बेंचेस बनाई जा सकती हैं। फिर क्या था, उन्होंने प्लान बना लिया और अपने घरों में पड़े खाली टेट्रा पैक के कार्टन्स को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। एक दिन बच्चे खाली कार्टन से भरे बैग लिए उसी बैनर के पास जाके खड़े हो गए। बस कुछ ही देर में डाक कबाड़ी वाला की वैन आई और उनके बैग से खाली टेट्रा पैक के कार्टन्स को गाड़ी में भर के ले गई। अगले ही दिन डाक कबाड़ी वाला के एग्जीक्यूटिव ने खुशियों से भरी अपनी वैन से बेंच और डेस्क निकाली जो कि उन्हीं खाली टेट्रा पैक के कार्टन्स को रिसाइकल करके बनी थी जिसे बच्चों ने बड़ी ही मेहनत से इकट्ठा किया था ताकि बस्ती के बच्चों को अपने खुले क्लासरूम में बैठने के लिए बेंच और डेस्क मिल जाएं।